माननीय सदस्य श्री रामचंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं, बोलिए आप। माने कृषि मंत्री शाही साहब के द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने हमें इस पे अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के उपलब्धियों के नाते ही पूरी तरह से वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मण पुरस्कार तथा देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु रुपए 1 करोड़ का प्रोत्साहन पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2/1/2020 को कर्नाटक में प्रदान किया गया। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की सभी योजनाओं को नंबर 1 पर आने के लिए और खास तौर से प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर के कृषि विभाग के कार्यों की सराहना की गई। अधिष्ठाता महोदय, कृषि विभाग के अच्छे कार्यों के नाते ही हमारे बाराबंकी जनपद के प्रगतिशील कृषक श्री राम शरण वर्मा और श्री भारत भूषण शर्मा को उत्तर प्रदेश की खेती और किसानी का जो ज्ञान है, जिनके ज्ञान के नाते आज भारत की सरकार ने उनको भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की जो कृषि नीति है, जिसके नाते पूरे देश में उत्तर प्रदेश का किसान नंबर 1 पर अपनी हर तरह की जितनी भी कृषि की विधाएं हैं उनमें अपना स्थान बना रहा है। अभी हमारे विपक्ष के साथी पूर्ववर्ती सरकारों की बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। महोदय, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, जब हमारे 2012 से 2017 के बीच में नेता विधानमंडल दल थे, उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर दैवीय आपदा आई थी। उस दैवीय आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उसका संज्ञान लिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के कृषि मंत्रियों के एक समूह को खेतों के मेड़ों पर भेजा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उसे संज्ञान में नहीं लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के विधान दल के माननीय विधायकों के द्वारा 2015-16 में इसी विधानसभा में जब पूरे 1 घंटे तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई को ठप करने का काम किया गया, तब जाकर के भारत सरकार के द्वारा जो दैवीय आपदा की दरें बढ़ाई गई थी उसको लागू करने का काम किया। आज ये बात करते हैं कृषि किसानों के ऊपर आने वाली दैवीय आपदा की जो दरें थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र रुदौली जनपद अयोध्या में ही तत्कालीन एक सरकार के मंत्री गए थे, 50 और 60 रुपए का चेक बांट के आए थे। दैवीय आपदा के किसानों को दैवीय आपदा में भी छलने का धोखा देने का काम तत्कालीन सरकार के मंत्री ने किया। और जब विधानमंडल दल बीजेपी को इस घटना की जानकारी हमने दिया तो हमारे तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और हमारे विधानमंडल दल के नेता
रुदौल अयोध्या जनपद में गए थे और किसानों की उस समय की लड़ाई को लेने का काम किया था और उसी मांग पर उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर होकर के भारत सरकार की तत्कालीन जब वो दरें दैवीय आपदा की बढ़ाई गई लागू करना पड़ा था और फिर वो चेक वापस होकर के 1500 रुपए प्रति किसान बांटना पड़ा था और उसी रुदौली ने अकेले 45 लाख रुपया विधान दल आदरणीय खन्ना जी के रूप में हम लोगों दिलाने का काम किया। श्री रामचंद्र जी कृपया, हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों की, इसके बाद श्री संजय शर्मा जी, सरकार जब पहली बार सरकार में योगी जी आते हैं उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक होती है किसानों के हितों की हिफाजत के लिए 36,000 करोड़ रुपए का एक मुफ्त फैसला और उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसान उसका फायदा पाते हैं। कृषक ऋण योजना में अभी पिछली बार अभी अभी जल्दी में आदरणीय जब हमारा